पांच साल दे विच मैं बतौरे सरपंच रहा। ढिल्लो साहब उस टाइम मंत्री सन और एक भी जाके पता कर लो किसे बंदे ने यह गल कही हो भी काम नहीं होया जी। जां असी कांग्रेस पार्टी दे वर्कर सी रुकिया हो ऐतकी तो असी कम नवा देख रहे हैं। मेरी 50 प्लस हो गई है जी। इस टाइम जिंदगी दे विच सब तो वध निकम्मा आ 4.5 साल बीते ने जिहदे विच असी की कहीए। मेरी एक दो कांग्रेसी क्योंकि हर एक बंदे नाल तां दुश्मनी भी ले नहीं सकते जी। पार्टियां ने अपनी राष्ट्रीय लड़ाई है, कोई उत्तां लड़ाई हत्ताचारी वाली नहीं है। उन्होंने गल करी जावे मेरा कांग्रेसियां दीआं मैं थोड़ा बहुता समा नहीं लैना। एक बुलाना है उस तो बाद नेता जी बोलणगे उदों ही बुलाए बगैर रह नहीं सकता। पिंड बाजड़े तो साढ़े सरपंच साहब सरदार जसविंदर सिंह जी नंबरदार चरणजीत सिंह जी वो सारे आए हैं। उन्होंने स्टेज में जी हाँ तो धन्यवाद करते हैं। हूँ साडा जशीला भाई साडा पुराना बंडारू सरदार सुरजीत सिंह जी बेदी ढाडी होंगे जी बड़े तगड़े अपने इलाके के उन्होंने बेटा चरणजीत सिंह सरपंच ससराली पिंड तो उन्होंने बेनती करा आके विचार साझे करो। सरदार चरणजीत सिंह ढिल्लो साहब ने यह कबूल करना कि इन्होंने सरपंच जोड़े कागज पत्र लैके आते हैं इन्होंने देख के सही जो जैनुअन काम वो किया जाना चाहिए रुकना नहीं चाहिए। अच उन्होंने पेंशन नहीं मिल रही है वो लोग दुखी हो पहले सिंबोलिक प्रोटेस्ट सीगा। पूरे पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल ने अज प्रोटेस्ट किया। इहदे पिछे कारण है कि देखो अज इस सरकार दा अखीरला बजट पेश होया जो सरदार मनप्रीत सिंह बादल जो कांग्रेस पार्टी दे वित्त मंत्री ने उन्होंने अज बजट पेश किया। तो 4 साल जिहड़े इन्होंने वादे किए से उन्होंने चुक पूरा तो किया नहीं। तो बजट जिहड़ा पहला भी इन्होंने गल्लां कही वह भी पूरी नहीं कीतियां। जां तां हुंदा ना भी कोई तुसीं लोकां दी डिवेलपमेंट कर रहे हो जी इस करके शायद तां कोई भलाई स्कीम रह गई होवे। ना तां डिवेलपमेंट कीती ना ही कोई भलाई स्कीम जारी कीती। सो अज लोकां दे मन दे विच बहुत रोस है। सो अकाली दल एक जरिया बन रहा लोकां दी आवाज़ सरकार तक पहुँचाउण दा क्योंकि लोग तकलीफ च ने, लोग ताहां मार रहे आ। सो असी जिहड़ी उह लोकां दा दर्द तकलीफ है उह इन्हां धरनियां दे विच लोकां ने जाहर कीता भी कैप्टन साहब कुछ तां सोचो। आपां एड्डी एड्डी सौ खा के सरकार बना ली 4.25 सरकार दे निकल गए तो अखीरला तुसीं बजट पेश कर रहे हो कीता कख भी है नहीं। 1% काम गड़ा देन कांग्रेसी 1% भी असीं काम कीता फिर सरकार बनाई कहदे वास्ते सी। सो वह रोस जो लोगों का वह अकाली दल के जरिए अज सारे पंजाब दे विच फुटिया ते ताकि सरकार तक वैसे पहुँचे पर उम्मीद कोई नहीं क्योंकि 4 साल निकल गए हुण जागे तो की जागे जागना फिर भी है नहीं। गूंगे तो बोले अखां बंद करी बैठे ने। सो उम्मीद कोई भी नहीं पर अकाली दल का फर्ज बनता लोगों का हादसा नारा मारता सी आपका जो पिछले 4 साल तो कर रहे हैं अगे भी कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जो रोस धरना सानेवाल तहसील दे विच समूह अकाली वर्कर सर सिमरजीत सिंह जी ढिल्लों उन्हां दे सत्कारयोग पिता सरदार शरणजीत सिंह ढिल्लों साबका मंत्री मौजूदा MLA उन्हां वल्लों जो उन्हां दे पाए पूरियां दे चलदे हुए समूह अकाली वर्करां ने जो कांग्रेस सरकार दीआं नाकामियां नूं दसण वास्ते साडे जजारू वीर इकट्ठे होए हन जो कि कांग्रेस सरकार नूं 4.5 साल हो गए इन्होंने झूठियां सौहां खा के श्री तलवंडी साहब गुटका साहब ते सौहां खा के लोकां तों वोटां बटोरियां। उस दे विच असीं हुण बेनती करदे आं समूह अकाली वर्करां नूं समूह पंजाब वासियां नूं कि आउण वाले समें दे विच 2022 दे विच जो अकाली दल दी जो अज चढ़दी चढ़ाई है अकाली दल सारे सर्वेयां दे विच अकाली दल दी सरकार बनदी जा रही है। असी बेनती करदे हाँ भई यह अकाली दल दी हथ मजबूत करके अकाली दल नूं वोटां पा के 2022 दे विच सरकार बनाओ। इस दे विच मेरा ट्रांसपोर्ट दा काम होण दे विच मैं बेनती
करदा कि कैप्टन सरकार ने आउंदिया साल साडिया जो साडे भाईचारे दीयां यूनियन बनाईयां हुंदियां सन उन्हां नूं तोड़िया। असी जो भाईचारे दे विच असी बैठ के सारे भरा रल के असी अपनी मेहनत मजूरी करदे सी ओह यूनियन तोड़ के सानू जो कि कारपोरेट घराणियां दे वड्डे वड्डे ट्रांसपोर्टर आ के साडियां फैक्ट्रियां दे विच वाड़े ता जो सानू बहुत नमोशी झलनी पै रही है। बहुत मंदे दे विचों अही निकल रहे हैं समूह ट्रांसपोर्ट मेरे वीर ना कोई कागजां दा काम हो रहा है जिन्हां दे विच असी फिर दुबारे बेनती करते हैं अकाली दल दीआं समूह वर्कर वीरां नूं कि आने वाले समय दे विच 2022 दे विच जो वोटां दा बिगल आगाज़ हो गया इहो जिहे धरनिआं दा समूह तों विचों अपने हाथ मजबूत करके अकाली दल की सरकार बनाई है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। वीर जी बब्बू सानेवाल तो अज इत सानेवाल तहसील के अकाली श्रोमणी अकाली दल वकनियों जिहड़ा ये रोस किया जा रहा दरिया से बैठ के कांग्रेस सरकार का पिट स्यापा किया जा रहा क्योंकि इन्होंने अपने 4.5 साल कुछ भी नहीं सानेवाल का सवारिया। ईवन कि जो अकाली दल ने पानी की टैंकियां बनाईया तहसील बनाई वो ब्रिज बनाए वाटर सप्लाई की सड़क गलिया नालिया सारा कुछ बनाया पर लेकिन वो इन तो कांग्रसियों तो मेंटेनेंस भी नहीं हो रही हैगी। सारे सीवरेज चौक हुए पे ने पानी पानी होया पे बदबू हो आ रही आ पार्क देखो ढिल्लो साहब ने कितना वधिया बनाया नाल ते आ हुण जिवें करोना फैल रहा ये करोना होने के बावजूद भी पूरी प्रोपर इन तो सफाई नहीं हो रही। असी लोगों के चरणों से यही बेनती करते हैं भी आने वाला जो टाइम आ 2022 के अकाली दल के हाथ मजबूत करो इन्हों वोटा पा के जिताओ तो बहुत सूझ बूझ नाल ढिल्लो साहब ने अगे 10 साल डिवेलपमेंट कराई आ। साडा वीर सिमी ढिल्लों वो बड़े सूझवान ने सारे इलाके हरेक के दुख सुख के आप सहाई होंगे ने इन्ना ही कहना होया मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।